मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। उल्लासनगर में दो नशेड़ियों ने 41 साल के कुनंदमल दूनीचंद की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि हत्या मामूली बात को लेकर हुई थी। पुलिस हत्यारे रूपराज उर्फ भाई राजा पाटिल को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि इसमें जो दूसरा आरोपी है बाला हीरामल साढ़े ये अभी फरार है। वही थाने के घोड़बंदर रोड पर गायमुख के पास एक टमाटर से भरा हुआ ट्रक रात के समय में पलट गया और ये ट्रक पलटी होने की वजह से रोड पर टमाटर बिखर गया और ट्रक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि इस हादसे में किसी के भी जानी नुकसान की खबर नहीं है। शराब के पैसे न देने पर एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने हत्या कर दी है। मामला मुंबई के बरसोवा का है और पुलिस ने हत्या में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मृतक की पहचान सूरज संजय झिंझटिया वाला के रूप में हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की आगे जांच पड़ताल कर रही है। गोवा में पंजी के नजदीक सागुल्दा गांव में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एक दलाल सहित एक टीवी एक्ट्रेस को भी पकड़ा है। इसके अलावा दो और लड़कियां पकड़ी गई हैं। टीवी एक्ट्रेस सहित दो महिलाएं मुंबई की रहने वाली हैं, जबकि इसमें एक महिला वो हैदराबाद की रहने वाली है। वही मुंबई की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ प्रेम संबंध में रखने के मामले में आरोपी युवक को जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि युवक अपने भविष्य को संभालने और सुरक्षित रखने का हकदार है। इस युवक पर नाबालिग लड़की के घर वालों ने किडनैपिंग और रेप का मामला दर्ज कराया था। आरोपी युवक ने इस पूरे मामले में 30 दिन जेल में भी गुजारे। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।